एनएसयूआई ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपा ज्ञापन। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी का घेराव किया और की नारेबाजी। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में पहुंचकर कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा और शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मुख्य परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित किए जाने की मांग की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही इस मौके पर अपनी मांगों की जानकारी देते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं व छात्राओं ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं से वंचित रह गए हैं। वहीं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय में पाठ्यक्रम पूर्ण भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मात्र 2 माह ही कक्षाएं लग पाई है, ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। उन्होंने छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऑनलाइन एग्जाम कराने का यही कारण है क्योंकि पूरा जो भी पढ़ाई हुआ है ऑनलाइन ही हुआ है, और बहुत लोगों का ये भी प्रॉब्लम रहता है कि लोग बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं तो नेटवर्क इश्यूज भी रहते हैं, तो इस वजह से ऑनलाइन एग्जाम ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस वजह से हम चाहते हैं कि इस बार भी ऑनलाइन ही एग्ज़ाम को ही डिक्लेयर हुआ नहीं है। कार्यकर्ता यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम की मांग लेकर आए हैं, जैसे कि अलग अलग यहाँ पे पूरे कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षा हुई है, दोनों छात्र छात्रा की परीक्षा भी ऑनलाइन होगी। बस ये चीजें यहाँ पे ऑनलाइन जारी कर दिए हैं, इनका नियम यहाँ पे विद्यार्थियों की मांग नहीं सुन रहे हैं। हम यहाँ पे लगातार धरना में बैठेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन की मांग रखेंगे। अगर यहाँ पे कुलपति मैडम हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम दूसरे आंदोलन करेंगे। ऑनलाइन लिया, लास्ट मोमेंट में यूनिवर्सिटी ने पूरा प्लान चेंज कर दिया, ऑफलाइन बोर्ड में डाल दिया। बिजनेस बना के रख दिए यहाँ पे, बिजनेस बना के स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनी जा रही है, उनकी प्रॉब्लम क्या है वो नहीं देखा जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।